हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 में हमें दे रखा है द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होलो स्पेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस तरीके से हमें एक स्पेरिकल दे रखा है शेल, जिसका हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हमें क्या दे रखी है, रेडियाई दे रखी है। ये हेमिस्फेरिकल होगा यहाँ पे, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारा एक तरीके से हेमिस्फेरिकल है, बीच में से होल होगा, कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। प्रैक्टिकली आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे कि ये हमारा अंदर से क्या खोखला है। अब मैं यहाँ से लेके ये इसका सेंटर होगा, जैसे कि अगर ये सॉलिड होता तो कुछ इस तरीके से होता। सॉलिड होने पे ये भी क्या एक तरीके से हेमिस्फीयर, ये भी क्या हेमिस्फीयर, बट ये सॉलिड है और ये क्या बीच में से होलो है। तो सेंटर से जाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। तो यहाँ इसका सेंटर होता, सेंटर से जाने वाली लाइन होती है रेडियस। तो ये होता है इसके इंटरनल। अगर मैं इसके सेंटर से लेके इंटरनल वाले सर्कल तक ड्रॉ करता हूँ तो ये तो ये होगी इसकी इनर रेडियस। अगर मैं इसी सेंटर से लेके और इसके बाहर वाले आउटर सर्कल तक इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये होगी इसकी एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। क्योंकि अंदर वाले में और बाहर वाले में जो फ़र्क होगा वो इसकी थिकनेस का होगा। जितनी ज़्यादा बड़ी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें क्या होगा, इसकी थिकनेस का होगा। अब यहाँ पे हमारे 2 रेडियस आ रहे हैं, 3 और 5, जिसका मतलब ये होगा जो इनर वाली रेडियस है वो 3 है और आउटर वाली रेडियस जो है वो 5 है। अब दोनों में जो फ़र्क आया ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करने में 3 और यहाँ से लेके बाहर तक ड्रॉ करने में 5, जो दोनों में फ़र्क है 2 सेंटीमीटर को, 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस का फ़र्क है। ये तो थोड़ा पतला है, बट एक्चुअल में जो फिगर होगी उसमें ये जो फिगर या आपको थिकनेस नज़र आ रही है, जिसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 2 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है, ठीक। और ये किसकी बनी होगी, मेटल की बनी हुई होगी। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया है जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सॉलिड का मतलब होगा कि बीच में से खाली नहीं होगा, पूरा फिल होगा ये, जिसका डायमीटर दे रखा 14 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दे रखा हो डिवाइड बाय कर दो 2 ताकि इसकी रेडियस निकल के आ जाए। रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बताओ इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, आंसर करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। देखो, जो मेटल यूज़ हुआ होगा, हमने इसको मेल्ट करके इसे बनाया, यानी दोनों का वजन तो सेम होगा, बट अब इसका वजन तो निकालना सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारा निकल के। बट प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर है, क्यों, अगर इसका वॉल्यूम अगर ये सॉलिड होता इस तरीके से, बीच में से खाली नहीं होता, तो फॉर्मूले में डायरेक्टली लगा देता कि 2/3 πr³। बट ये बीच में से होलो होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं एक तरीके से आउटर वाली रेडियस को लेके इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लूँगा, ठीक है। निकालने के बाद जो इसके अंदर वाला होलो सिलेंडर हेमिस्फीयर है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि मेरी जो ये एजेस हैं, ठीक है, इसके निकल के आ जाए, क्योंकि इसी को मेल्ट करके हमने ये सॉलिड सिलेंडर बनाया गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आउटर वाली रेडियस को लेके हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और जो अंदर वाला खोखला पार्ट है ना, तो इसीलिए अंदर वाले हेमिस्फीयर को क्या कर देंगे, माइनस, ताकि मेरे ये एजेस निकल के आ जाए। अब ये जो हेमिस्फीयर हमारे 2 हैं, इसको नाम अंदर वाले को देता हूँ मैं H1 और बाहर वाले को नाम देता हूँ मैं H2, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ H2, इसकी रेडियस को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R से, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ H1, इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट किया स्मॉल R से, कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। और जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है जिसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया वो है हमारी 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यों, हमने इसको मेल्ट करके इसे बनाया है, तो जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा उतने मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आउटर वाले हेमिस्फीयर में से, यानी कि 2/3 πr³, आउटर वाली रेडियस कौन थी, कैपिटल आर, इसमें से माइनस कर देंगे इनर वाली 2/3 πr³, इनर वाली रेडियस कौन है, स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला πr² एंड h, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन निकालो, 2/3 πr² आ रहा है यहाँ पे, r³
माइनस स्मॉल आर क्यूब पाई आर वन का स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 2/3 ब्रैकेट कैपिटल आर कितना है 5, क्यूब है इसलिए 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, स्मॉल आर कितना है 3, क्यूब है इसलिए 3 बार, आर वन कितना है 7, 7 × 7 हाइट तुम्हें फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज रहने दो, 2/3, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 7 × 7 × h, 2/3 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे, ऊपर है तो नीचे, ये हमारी आ गई h। अब इसमें 7 का डिवाइड देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 2 × 7 = 4 = 28, 7 × 2 = 14, तो कितना निकल गया 2 × 2 = 4/3, इसकी हाइट होगी। अब हम 4 में अगर 3 का डिवाइड दे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।